नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के टैक्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर्म नंबर 61A। 61A फॉर्म किन परिस्थितियों में फाइल करना अनिवार्य है, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 285BA तथा रूल 114E में विस्तार से बताया गया है। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पर यह फॉर्म फाइल करना है। स्पेसिफाइड पर्सन में बैंकिंग तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार ऑफ रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि मुख्यतः है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से उन एसएससीज को भी शामिल किया है जिनको अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत अनिवार्य है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या है? स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन रूल 114E में बताया गया है टोटल 13 ट्रांजैक्शन है, जिनमें 12 ट्रांजैक्शन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, रेवेन्यू रजिस्ट्रार एम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लागू होते हैं। केवल एक ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 11 उन एसएससीज के ऊपर लागू होता है जिनको अपना अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB के अंतर्गत ऑडिट करवाना अनिवार्य है। ट्रांजैक्शन 11 क्या है? ट्रांजैक्शन 11 में कैश रिसिप्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सीडिंग ₹2,00,000, इसके बारे में एग्रीगेशन होगा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होगा, इसके बारे में बिजनेसमैन के कंफ्यूजन रहा, जिसको क्लियर करने के लिए सीबीडीटी ने 23 दिसंबर 2016 को प्रेस रिलीज किया, जिसमें बताया गया कि रूल 114E में सब रूल 3 को अमेंड करके बाय सीबीडीटी नोटिफिकेशन 91/2016 डेटेड 6 अक्टूबर 2016 को अमेंड कर दिया गया है, जो कैश रिसिप्ट 2,00,000 और मोर ये एग्रीगेशन नहीं होगा, ये सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू होगा। यानी एक दिन में किसी व्यक्ति से सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस से कैश रिसिप्ट एक्सीडिंग 2,00,000 रुपीज होता है, तब उनको फॉर्म नंबर 61 फाइल करना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं किनको ये फॉर्म फाइल करना है और किनको नहीं करना है। इनमें पॉइंट नंबर पहला है कि उन एसएससीज को जिनका अपना अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB में ऑडिट करवाना अनिवार्य है। सेकेंडली, अगर कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तब उनको ये फॉर्म फाइल करना अनिवार्य है। किन परिस्थितियों में ये फॉर्म फाइल करना अनिवार्य नहीं है? एसएससी जिनको अपना अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB में ऑडिट नहीं करवाना है, उनके ऊपर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 61A लागू नहीं होगा, तथा उन एसएससीज के ऊपर भी जिनको
44AB में ऑडिट करना अनिवार्य है, लेकिन उनके यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उनको भी ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि किनको ये फॉर्म फाइल करना है और किनको नहीं करना है। इस फॉर्म की फाइलिंग डेट 31 मई 2017 फॉर फिनेंशियल ईयर 2016-17 थी, जिसको सीबीडीटी ने एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2017 तक। धन्यवाद।